इस वीडियो में दिखाए गए स्टंट और एक्सपेरिमेंट को घर पर दोहराने का प्रयास ना करें। हेलो गाइस, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल गैलेक्सी ऑफ साइंस एक्सपेरिमेंट में स्वागत है। तो आज हम एक क्रेजी से एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। तो आज हम बनाने वाले हैं स्काई लैंटर्न, इसको हिंदी में कंडेल भी कहते हैं और कुछ कुछ लोग उसको हॉट एयर बलून भी कहते हैं। तो आज हम उसी को बनाने वाले हैं और आपको दिखाएंगे कि कैसे बनती है और उसकी टेस्टिंग करके भी आपको दिखाएंगे। तो चलो फिर शुरू करते हैं। तो गाइस, तो फिर स्काई लैंटर्न बनाने के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको वो दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले तो हमें वैक्स चाहिए। आप चाहो तो किसी छोटी 5 रुपए वाली कैंडल का भी यूज़ कर सकते हो। तो मेरे पास ये वैक्स का थोड़ा डला हुआ था तो मैंने ये ले लिया है। और आपको धागा चाहिए कुछ, तो मेरे पास ये चक्री वाला पुराना धागा था तो मैंने यही वाला ले लिया है। थोड़ा सा पुराना है पर काम चल जाएगा इससे ही। और कुछ पेपर चाहिए तो मैंने कुछ पेपर भी ले लिए हैं। आप कोई सा भी पेपर ले सकते हो, A4 साइज का मैंने कलरफुल पेपर ले लिया। और ये इस टाइप का कुछ बैम्बू का बांस लेना है, लंबा सा, कितना भी लंबा ले सकते हो आप। और पॉलीथीन लेनी है। और पॉलीथीन में बस क्या देखना है, पॉलीथीन में हल्की से हल्की हो और पॉलीथीन का साइज़ देखना है, बड़ा हो बस। और ये वाले लोहे के वायर भी लेने हैं, ये आयरन वाले वायर होते हैं और यही वाले वायर लेने हैं आपको। और इसमें टेप की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो गाइस, ये मैंने इतनी बड़ी पॉलीथीन ले ली है स्काई लैंटर्न बनाने के लिए। आप चाहो तो इससे छोटी भी ले सकते हो, छोटी स्काई लैंटर्न बनानी हो तो। तो आप इधर देख लीजिए, मैंने इसको मतलब यहाँ पर ऐसा करके डाल लिया है, फैला लिया है। तो इसकी आप लेंथ देख सकते हो, लंबाई इसकी कितनी है। तो लंबाई इसकी हल्की सी ज़्यादा होनी चाहिए और चौड़ाई ना कम होनी चाहिए, तभी आपका बन पाएगा ये स्काई लैंटर्न। और मैंने इसको ऐसा करके डबल कर लिया है पन्नी से, पॉलीथिन को इस साइड में फोल्ड कर लिया मैंने इसको। अब इतना टुकड़ा इसका मैंने बाहर निकलने दिया। तो गाइस, मैं इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक यहाँ फोल्ड कर लेता हूँ। और इसकी लेंथ आपको देखने वाला, ये बिल्कुल फिक्स बैठना चाहिए, ये मैंने सही कर लिया। पॉलीथिन थोड़ा सा उड़ रही है बस, और कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। इसको मैंने यहाँ से यहाँ तक इस टाइप में फोल्ड कर लिया। अब इसको क्या करना है, हमें यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी टेप लगा लेनी है सीधी, पूरी यहाँ तक। तो गाइस, आप सभी लोग देख सकते हैं कि मैंने ये पूरा चिपका करके रेडी कर लिया। ये यहाँ से लेके मैंने यहाँ तक डायरेक्ट टेप मार ली है और जब पूरी चिपक चुकी है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो चलो फिर आगे का काम चालू करते हैं। तो गाइस, आप सभी देखते हैं, मैंने इसको यहाँ से लेके यहाँ तक तो सीधा सीधा स्ट्रेट चिपका ही लिया था और हवा चल रही उसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। अब क्या करना है, हम इसको सबसे पहले ऐसा करके रखेंगे। हवा की वजह से बस कुछ प्रॉब्लम हो रही थोड़ी सी। और अब इस यहाँ से लेकर यहाँ तक इसे फिर स्ट्रेट चिपका लेंगे। तो चलिए फिर मैं ये चिपका के फिर आपको दिखाता हूँ। तो गाइस, आप सभी लोग देख सकते हैं, मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक भी इसमें टेप लगा ली है। पर ये पॉलीथीन में बस ये प्रॉब्लम है कि मैंने छोटे छोटे टुकड़े लगा के इस पॉलीथीन को बनाया हुआ है। अगर आप चाहो तो मार्केट में आके ऐसी पतली पॉलीथीन खरीद भी सकते हो। तो आप देख सकते हैं, आपकी तरफ मिल जाए तो आपकी तरफ आप खरीद सकते हो। हमारे तो यहाँ पे गांव वगैरह में तो मिल। तो गाइस, आप लोग देख सकते हैं कि मैंने पॉलीथीन तैयार करके वहाँ पर रख दिया, दिखा पल। और अब मैं इसको मतलब काटूंगा, इसे मतलब पतली सी फंटी काटनी है। अगर आपके पास हरा बैम्बू मतलब जो कच्चा आता है, ग्रीन कलर का आता है, नया नया आता है वो वाला बैम्बू है तो आप उसकी भी काट सकते हो। अगर आपके पास वो वाला नहीं है, ये वाला सूखा हुआ बैम्बू है तो आप इसको काट सकते हैं। पर वो वाला होगा तो उससे ज़्यादा अच्छा है। तो मैं इसकी पतली सी स्ट्रिप्ट काट लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस, आप सभी लोग देख सकते हैं कि मैंने बैम्बू की पतली सी लकड़ी काट ली है और इसको मैंने सैंड पेपर से घिस लिया है। अगर आप 18 ईयर से कम है तो फिर आप ये मतलब इसको अडल्ट किसी बड़े के निगरानी में देख के करें, क्योंकि इससे हाथ भी पड़ सकता है बेम्बू जो। तो इस लकड़ी को हम एक रात के लिए मतलब आज मैं इसको पानी में डाल दूंगा और कल मैं सुबह इसको निकालूंगा। इसमें पानी हम किसके लिए रख रहे हैं ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि अभी जो इसे हम यो करके पूरा फोल्ड करेंगे तो ये टूट जाएगी बीच में से। और अगर हम इसे पानी में रख देंगे तो फिर इसको फोल्ड करते टाइम ये आराम से मतलब पूरी मुड़ जाएगी, सर्कल बन जाएगा इसका।
तो ये टूटेगी नहीं, इसी के लिए हम इसे पानी में रखेंगे। और आपको इस लकड़ी की लंबाई कितनी रखनी है, जो आपके मतलब जो पॉलीथीन है उसकी जो लंबाई है उतनी इसकी मतलब लंबाई रखनी है, पॉलीथीन की लंबाई उतनी इसकी लंबाई रखनी है। चलो फिर आगे चल के अब मैं उसकी मतलब नीचे वाली टिकिया बना के दिखाता हूँ आपको वो कैसे बनानी है। तो गाइस जो मेरे पास एक कंटेनर, उसमें मैंने कुछ कूड़ा और जो मतलब काव डंक के एक भर दिया मतलब कंडा इसमें डाल दिया मैंने। अब मैं इसको मिट्टी के तेल की मदद से जला दूंगा और फिर मैं इसके ऊपर वैक्स को मतलब मोम को पिघलाऊंगा और फिर उसके मैं एक टिकिया बनाऊंगा चौकोर टाइप में। और आप चाहो तो इसे गैस पे पिघला सकते हो, मेरे पास तो अभी यही सुविधा है तो मैं इसी पर पिघला लेता हूँ। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं कि मैंने ये इसमें आँच आग लगा ली है। अब मैं इसके ऊपर कोई छोटा सा कंटेनर रख देता हूँ, आप चाहो तो किसी कटोरी वगैरह का यूज़ कर सकते हो स्टील की। तो मैंने ये रख लिया यहाँ पे। अब मुझे क्या करना है, अब मैं इसमें ये वैक्स के कुछ टुकड़े काटूँगा। गरम करने के लिए इसमें टुकड़े काट के मैं इसमें डाल दूँगा। तो इतना टुकड़ा बहुत है तो मैं इसी में डाल देता हूँ वैक्स के टुकड़े। तो आप इसको पिघलते हुए देख सकते हैं कि मतलब पिघलना चालू हो गया है, नीचे इसमें वैक्स जो है पिघल पिघल के जमा हो रहा है। तो इसको मतलब हमें पूरा मेल्ट करना है, पूरा मेल्ट हो जाएगा फिर इसकी हमें एक टिकिया बना लेनी है पेपर और धागे का यूज़ करके। मैं इसमें अभी थोड़ा सा और डाल देता हूँ, मुझे कम लग रहा है ये। तो इसको पिघलने का इंतजार करते हैं। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं कि इसमें मतलब जी हमारा वर्क से जो थोड़ा थोड़ा पिघल चुका है पूरा, इसमें थोड़ा बहुत ऐसा रह गया जो भी पिघला नहीं है वो भी पिघल जाएगा। तब तक हम अपने आगे की तैयारी करते हैं। तो मैं यहाँ पे मैंने ये पेपर ले लिए हैं दो, तो सबसे पहले मैं इस पेपर को फोल्ड करूँगा। तो मैंने इस पेपर को कुछ ऐसा फोल्ड कर लिया है और अब मैं इसके ऊपर ये कॉटन जो मैंने लिए कॉटन थोड़ी सी लगा लूँगा और इसके ऊपर ये बोलते हैं काव डंक केक बोलते हैं इसे कंडा, तो इसको भी मैं इसमें लगा लूँगा थोड़ा सा पास। अब इसको हमें धागा लेना है तो मैंने धागा लिया है। इस धागे को ये ध्यान रखना है कि धागा सूती ही लेना है, जो कि नायलॉन वगैरह का धागा आता है वो नहीं होना चाहिए इसके लिए। और आप देख सकते हैं कि ये हमारे वैक्स है वो पूरा मेल्ट हो चुका है। अब क्या करना है हमें ये पेपर जो हमने बनाया था उसके ऊपर एक धागा लगाना है। इस कॉटन को भी इसके ऊपर रख देंगे और धागा इसके ऊपर लगा देंगे। बस इतना बहुत है, वो धागे को इसी में फंसा देना अंदर और इसको मैं इसमें डुबो दूंगा, डिप कर देना है। और डिप इसमें थोड़ी देर तक डिप करके इसी में रखना है। और अब इसको हम निकाल लेंगे बाहर। बोली पर फूल बन लिया। तो बाहर निकाल के अच्छी तरीके से नचोड़ लेंगे और नचोड़ने के बाद में फिर इसके ऊपर और सारा धागा इसके ऊपर लगाएंगे अच्छी तरीके। और धागे का हमेशा ध्यान रखना कि धागा नायलॉन का नहीं होना चाहिए, नायलॉन का होगा तो जल्दी जल जाएगा और जो कॉटन का होता है वो जल्दी जलेगा नहीं, इसी के लिए कॉटन का धागा लेना है। मैंने धागे को इस तरह लच्छे टाइप में बना लिए हैं जिससे कि मतलब लपेटने में आसानी हो, जल्दी लपेट जाए। तो गाइस ये मैंने इसके ऊपर ये धागा इतना सारा लगा लिया है
अब उसको डायरेक्ट इसमें डिप नहीं करेंगे, और क्या करना है, एक सादा धागा लेना सीधा, उसको इसके ऊपर इस तरह से लपेटना जिससे कि ये धागा जो अंदर हमने लच्छा लगाया है वो खुल नहीं जाए। कुछ इस तरीके से मैंने इसको अच्छी तरीके से लगा लेना, और अब ये वाली कॉटन जो हमारी जो रह गई थी उस कॉटन को मैं इसमें डिप कर लूँगा, और डिप करके दोबारा इसी ऊपर लगाना है। और अच्छे से डिप करके तो ये वैक्स से तो जल्दी जल्दी सूखता जा रहा है, उससे कोई वैसी प्रॉब्लम तो नहीं है। बस और जी मैंने दूसरा वाला पेपर लिया था और उसके ऊपर मैंने ये वैक्स दिया निकाल लिया, और इसको इसके ऊपर रख देंगे और इसको फोल्ड कर देना है। कावर डंक वगैरह का चूरा वगैरह सब इसी में डाल देना है जिससे कि जलने में दिक्कत वगैरह ना हो। और ऊपर नॉर्मली अब एक धागा बांध देना है। तो गाइस मैंने लकड़ियों को मतलब 24 घंटे तक पानी में उनको भिगो कर रखा था, तो ये मतलब सॉफ्ट हो गए। पहले ये इतनी फ्लेक्सिबल नहीं थी, अब जो देखो आप कितने फ्लेक्सिबल हो गई हैं, ये पूरी पूरी अब बेंड हो जाती है, पहले बेंड नहीं हो पा रही थी। तो अब हमें क्या करना है ना, इन्हें नॉर्मली एक दूसरे के साथ में ऐसे ऐसे करके चिपकाना है, मतलब किसी भी चीज़ से बांध के, एल्यूमिनियम के मैं तार लूँगा, मैं उनसे इन्हें बांध लूँगा। तो चलो फिर मैं इनको बांध के आपको दिखा देता हूँ पहले। तो गाइस आप लोग देखते हैं मैंने पतला वाला तार लिया है, ये तार जो है ये लोहे का एल्यूमिनियम की जगह, क्योंकि एल्यूमिनियम का तार जल्दी टूट जाता है और ये टूटेगा नहीं, इसीलिए मैंने ये वाला ले लिया है। तो मैं इसको नॉर्मली यहाँ से लेकर यहाँ तक गोल गोल कर बांध दूँगा। तो गाइस तो फिर आप सभी लोग देख सकते हैं कि मैंने ये मतलब जो लकड़ी थी बांस की उनसे मैंने ये रिंग टाइप में कुछ बना लिया, और इनको मैंने यहाँ से कुछ तार की मदद से अच्छी तरीके से बाइंड कर दिया। अब यहाँ से बिल्कुल भी हिलेगी नहीं, और ऐसा ही मैंने इधर भी किया, ऐसे भी अच्छी तरीके से बाइंड कर दिया। अब ये गोल रिंग बन गई है, और इसको मैंने मतलब लकड़ी को उसकी मतलब थैली है हमारी उसकी लंबाई के हिसाब से हमने काट लिया था, इस वाली थैली की लंबाई की मतलब जितनी इसकी लंबाई है उतनी बड़ी मैंने ये लकड़ी ली थी। तो वो मैंने अब इनको अच्छी तरीके से बांध लिया है। अब मैं इसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक क्रिस क्रॉस मतलब क्रॉस शेप में लोहे के तार बांधूंगा। तो चलो फिर मैं आपको वो बांध के दिखाता हूँ। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं कि मैंने इसको मतलब तार को बीच में से प्लस शेप में मतलब मैंने इसे बांध लिया है, और इसको मैंने बीच में कुछ तार का सिस्टम है वो मैंने ऐसे रखा हुआ है जिससे कि इसमें मैं ये वाला तार लगा के इसमें बीच में अपनी जो अपने वैक्स की वो बनाई थी कैंडल वो हम इसमें अंदर लगा सकें, इसी के लिए मैंने इसमें कुछ इस टाइप में हुक टाइप में बना दिया है, आपको ये बनाना है। तो चलो फिर मैं इसमें सेट कर लेता हूँ, अपने बलून में सेट करके आपको दिखाता हूँ। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं कि मैं इसको अब इस पन्नी के अंदर जो अपन लोगों ने बनाई थी पैराशूट के लिए मतलब हॉट एयर बलून के लिए, तो मैं इसमें सेट कर देता हूँ इस रिंग को अपने को, और ये इसमें कुछ आराम आराम से डालिए, और ध्यान रखना है कि ये तार जो है उसकी वजह से ये पॉलिथिन फट ना जाए। तो भाई आप लोग देख सकते हैं कि ये पूरी पॉलिथिन हमने अच्छे से सेट कर ली है इसमें रिंग में। अब इसको हमें एक बार टेस्ट मतलब देखना कि रिंग टेढ़ी तो नहीं लगी है, तो कौन पकड़ने बस दोनों कौने पकड़ लो दोनों। अब इसको हम चेक कैसे करेंगे कि ये टेढ़ी तो नहीं लग गई है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसे हमें यहाँ से थोड़ा सा नीचे की साइड लेना है, बस इतना ठीक है। और अब ये बिल्कुल सीधी है, इसको इधर से अंदर करना पड़ेगा कुछ इस टाइप में, हम इसे अब सेट कर लेंगे। तो अब ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल अब ये सीधी हो चुकी है। अब इसको हम किनारे से टेपिंग करके बिल्कुल अच्छे से पैक कर देंगे जिससे कि इसमें से रिंग इसमें से पॉलिथीन में निकल ना जाए।
तो मैं इसमें अब टेपिंग कर देता हूँ। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं कि मैंने इसमें यहाँ से किनारे से टेपिंग कर ली है, थोड़ी बहुत छूट रही है, उससे कोई मतलब नहीं है। अब हमें क्या करना है, इसमें बीच में जो हमने टिक्की आपको बनाकर दिखाई थी मोम की वैक्स की, तो वो हम इसमें बीचों बीच में लगा देंगे। तो इसको मैं पहले लगा के आपको दिखाता हूँ। तो मेरे पास ये टेस्टर है, या फिर आप कैंची की मदद भी ले सकते हैं, कैंची या शार्प है, तो मैं कैंची से इसमें होल कर देता हूँ बीचों बीच में। तो इसमें ये होल हो गया बीचों बीच में, आप देख सकते हो कि इधर से कैंची निकल आई है। और अब मैं इसमें ये वाला तार इधर से इधर तक डाल दूंगा, और इसमें तार डालने के बाद में मैं इसको कुछ इस तरह से एक बार रोटेट कर दूंगा तार को, घुमाकर मैं इसको वापस उसी जगह लाकर इस तार के साथ में बांध देता हूँ। और अब ये अपना, तो अब ये अपनी कैंडल इसमें लगाने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो अब मैं इसको इसमें लगा देता हूँ। तो इसमें लगाने के लिए सबसे पहले मैं इसको कुछ इस तरह से खोल लूँगा, दोनों तारों को मैंने यहाँ पर खोल लिया है। और अब मैं इसको इसमें सेट कर कर इसकी मदद से मैं घुमा दूँगा, और इसको नीचे से अच्छी तरीके से घुमा दिया। अब ये पूरा अच्छी तरीके से बिल्कुल सेट हो चुका है। और अब इसको क्या करना है, पॉलीथीन को हमें ऊपर की साइड से कुछ इस तरह से पकड़ कर रखना है, और इसमें नीचे से हमें इसे आग लगानी है। और ये एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये पॉलीथीन है वो इधर से दूर दूर रखनी है, इस तरह कुछ इस टाइप में इसको दूर तक रखना है, और नीचे से हम इसमें आग लगा देंगे। अब पोज कर ले। तो गाइस आप सब देखो इधर देख सकते हैं कि मेरे पास एक केरोसिन है, तो मैं इस केरोसिन को इसमें थोड़ा सा लगा दूंगा जिससे कि आग जल्दी लग जाए, आग लगाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैं इसमें थोड़ा सा इतना कुछ केरोसिन ले लिया कैप में, अब मैं इसको इसी के ऊपर डाल देता हूँ, बस इतना बहुत है। और अब मैं इसमें केरोसिन में आग लगाऊंगा, पर आग लगाने से पहले इसको कुछ इस तरह से पकड़ लिया जाए जिससे कि आग डायरेक्ट थैली में ना लग जाए, पकड़ लूँगा। और मैं इसमें आग लगा के हल्के से पहले साइड से पकड़ लूँगा जिससे कि इसमें आग ना लग जाए। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं कि मैंने इसमें अब आग लगा दी है, और ये धीरे धीरे करके पूरे में फैल जाएगी। और मैं इसमें इस थैली को कुछ इस टाइप में पकड़ा रहूँगा। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं कि इसमें आग मतलब फैल गई पूरा, और हमारा पोपट हो गया है, क्योंकि आग कुछ ज़्यादा ही फैल रही थी और हवा भी चल रही थी, इसी की वजह से थैली भी है वो किनारे से जल गई है। तो हमने अभी डिसाइड किया है कि अब इसमें अगर हम हवा भर जाने देंगे अच्छी तरीके से, फिर इसको नीचे रख कर किनारे से पॉलीथीन को काट देंगे, नीचे वाले पार्ट को अलग रहने देंगे, ऊपर का जो है वो उड़ जाएगा हवा में। तो मैं अब इसे नीचे रख लेता हूँ, और इसमें थोड़ी बहुत गर्म हवा और भरने देता हूँ। और अब मैं इसे कैंची की मदद से काट देता हूँ। तो गैस जो हमारा माइक था उसमें वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी, तो मैंने ये वॉइस जो अलग से रिकॉर्ड की। और वैसे भी कि इसको मतलब जलता हुआ अगर जाता तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती थी, हो सकता है किसी के छत पे कपड़े वगैरह सूख रहे हो तो वहाँ पे गिर सकता था ये, तो इसी के लिए मैंने ये हटाना ही सही समझा। और आप लोग देख सकते हैं कि कितना ऊपर जा चुका है अपना बलून। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐसी मज़ेदार वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी, और नई वीडियो ज़रूर आएगी स्काई लैंटर्न के ऊपर। और ये नीचे वाला पार्ट है वो इधर रह गया, सब प्रॉब्लम इसी की वजह से हुई क्योंकि ये टाइम पर बुझा नहीं।
और हवा की वजह से और भी तेज जलने लगा, जिससे कि थैली भी जल गई किनारे की। अगर गाइस हवा नहीं चल रही होती तो ये अच्छे से उड़ जाता। तो गाइस जो हमने हॉट एयर बलून बनाया था पॉलिथिन का, मतलब स्काई लैंटर्न जो हमने बनाया हुआ था, तो आप लोग देख सकते हैं वो बिल्कुल मतलब सही, उसकी टेस्टिंग भी सही हुई है और वो उड़ा भी अच्छी तरीके से। बस ये है कि उसमें आग जलती हुई उड़ के नहीं गई, क्योंकि वो मैं जिस जगह रहता हूँ यहाँ पे, मतलब सब लोग अपने छतों पे कपड़े वगैरह सुखाते हैं, तो मैंने उसके मतलब आग वाला पार्ट था उसे मैंने काट के नीचे रहने दिया, और वो जो ऊपर ऊपर का था वो मैंने उड़ा के आपको दिखा दिया। और आप भी अगर उड़ाएँ तो आप सेफली मतलब जगह पर उड़ाएँ जहाँ पे कहीं आग लगने का खतरा ना हो, क्योंकि इन चीज़ों से आग बहुत जल्दी लग जाती है। और मैं तो कहता हूँ कि आप लोग इसको घर पर ट्राई बिल्कुल भी ना करें। तो गाइस आपको वीडियो कैसी लगी वीडियो कमेंट सेशन में जाकर बताएं, और वीडियो को लाइक और शेयर करें, और गैलेक्सी ऑफ साइंस एक्सपेरिमेंट को सब्सक्राइब भी करें। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।